हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तृप्ति भटनागर। दोस्तों, आइए इस गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में घर पर बूंदी बनाएंगे, लोगों को बांटेंगे आसपास और माँ सरस्वती का इस बूंदी से भोग लगाएं। आइए अब देखते हैं इस बूंदी को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए हमें। मैंने 200 ग्राम करीब बेसन लिया है और 200 ग्राम ही करीब चीनी ली है। ये एक बाउल है और ये केसर का पानी, एक कटोरी सादा पानी। अगर आपके पास ऐसा कप है तो आप इस कप से 2 कप ले सकते हैं। कप नहीं है तो आप कटोरी से भी ले सकते हैं। 2 कटोरी बेसन ले सकते हैं बूंदी बनाने के लिए। अब हमें इस बेसन में 1/4 चम्मच तेल डालेंगे और 1/2 कटोरी करीब पानी डालेंगे और हम इसे मिक्स करेंगे। हम इस बैटर में एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब ये बचा हुआ 1/2 कटोरी पानी, ये भी हम इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे फेंटेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। ये केसर का पानी है, मैंने केसर 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी और इसका पानी मैं यूज कर रही हूँ बूंदी में। केसर का पानी डालने के बाद हम फिर से मिक्स करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास केसर अवेलेबल ना हो तो ना यूज करें, कोई ज़रूरी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, फिर हम फेंटेंगे इसको, यानी मिक्स करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब ये देखिए, हमारा परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है, जैसा हमें चाहिए बूंदी बनाने के लिए। आप जितना अच्छा इसे फेंटेंगे उतनी अच्छी हमारी बूंदी बनेगी। और अब हम 2 मिनट के लिए इसे रख देंगे, चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। ये मैंने एक भगोना लिया है और ये मैंने 200 ग्राम करीब चीनी ली है। अगर मैं कप की बात करूँ तो मैंने ये देखिए 1 कप और ये 2 कप, यानी 2 कप चीनी का यूज किया है मैंने चाशनी बनाने के लिए। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए 1 कप और ये 2 कप, मैंने 3 कप पानी इसमें डाला है। और अब हम गैस को ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे। अब हम चाशनी को चलाएंगे, देखिए चीनी घुलना शुरू हो गई है, ये देखिए चीनी मिक्स हो चुकी है पानी। और ये मैंने 4 हरी इलायची लिए, इनको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही साबुत डाल देंगे फ्लेवर के लिए, इससे हमारी चाशनी में फ्लेवर अच्छा आएगा। ये देखिए, अब ये चाशनी बनना शुरू हो गई है, पर जैसी हमें चाहिए अभी वैसी नहीं बनी है। हमें एक तार की नहीं चाहिए। बूंदी बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे गैस पे रख दिया और गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं तेल डाल दूंगी। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने बैटर को एक बार और मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे से। पर मैं 2 चीज़ों से बूंदी बनाऊंगी, एक ये छलनी ली है मैंने, इसमें 6 छेद हैं देख सकते हैं, और एक ये पूड़ी निकालने वाला, इसमें भी 6 छेद हैं। इन दोनों से मैं बूंदी बनाऊंगी। पहले मैं ये छलनी से बनाती हूँ। इसे मैंने कढ़ाई के ऊपर रख दिया और इसके ऊपर मैं अपना बैटर डालूंगी, देखिए इस तरह से। और आप अभी देखिएगा नीचे अपने आप निकल रहा है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर से अपने आप निकलता रहेगा। और कढ़ाई और छलनी के बीच का डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपके हाथ जल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने स्मूथली अपने आप बूंदी हमारे गोल गोल नीचे कढ़ाई में तेल में गिर रही है। ये देखिए कितनी अच्छे से बनी है। और अब हम इसे चलाएंगे, हल्की सी लाइट ब्राउन होने पर हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे दूसरी तरफ चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है लगभग। देखिए अब हमारी बूंदी भी बनकर तैयार हो चुकी है। हमें इसे सिम आँच पे पकाना होता है, नहीं तो हमारी बूंदी जल जाएगी अगर हम तेज आँच रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए हमारी बूंदी बन चुकी है, अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। मैंने एक थाली के ऊपर टिश्यू पेपर रखा है, उसके ऊपर बूंदी निकाल रहे हैं। ये तेल सोख लेता है टिश्यू पेपर। ये देखिए हमारी बूंदी कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है, कितनी करारी है, देखिए कैसे टूट रही है। अब इसी तरह से हम ये पूड़ी छानने वाले इससे बनाएंगे, इसको भी हम कढ़ाई के ऊपर रखेंगे, एक डिस्टेंस में रखेंगे। और इसके ऊपर हम अपना 2 चम्मच बैटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए इतना स्मूथली इससे भी निकल रहा है, तेल में गिर रही है हमारी बूंदी गोल गोल। ये देखिए कितनी अच्छी से बन रही है। और इसी तरह से हम सारी बूंदी बना लेंगे। आप चाहें इससे बना सकते हैं और या फिर वाली छलनी से बना सकते हैं, जिससे आपको पसंद हो उससे बना सकते हैं, जो अवेलेबल हो आपके पास उससे बना सकते हैं आप बूंदी। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि बूंदी हमारी ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, ज़्यादा लाल नहीं होनी चाहिए। और अब हम बूंदी को चलाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अगर आपके पास केसर अवेलेबल ना हो तो आप बेसन में कुछ भी ना डालें,
खाली बेसन में पानी डालकर उसे अच्छे से पेस्ट बनाएं और उसकी बूंदी बनाएं। बस आपका बैटर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप हमारी चाशनी भी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें जो इलायची मैंने डाली थी अब उसे मैं बाहर निकाल दूंगी चाशनी से। हमारी बूंदी जो हमने पूड़ी छानने वाले से बनाई थी उससे भी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे एक बर्तन में और इस तरह से हम सारी बूंदी बना लेंगे। जो आपको सूटेबल लगे उससे आप बनाइएगा। आइए एक बार मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। मुझे इससे बनाना बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इससे ही दोबारा भी बना रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से बन रही है, गोल गोल बन रही है। अब हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है और हमारी सारी बूंदी भी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए सारी बूंदी बन चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी बूंदी कितनी गोल और कितनी करारी बनी है। गैस पर से चाशनी को नीचे उतार देंगे। अब हम इस चाशनी में बूंदी डालेंगे। चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए। ये आधी बूंदी मैं डाल रही हूँ और आधी बूंदी डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी चाशनी और बूंदी को। फिर बची हुई जो बूंदी है उसे भी इसी में डाल दूँगी और इसे भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप भी मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे चाशनी हमारी बूंदी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से दबाने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे से हमारी बूंदी चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, इसलिए हम 2 से 3 घंटे रखेंगे। अब ये 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारी बूंदी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी गोल गोल और कितनी स्वादिष्ट और कितनी रसीली बूंदी बनकर तैयार हुई है। इस बूंदी से आप माँ सरस्वती का भोग लगाइए और गणतंत्र दिवस पे अपने आसपास बांटिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।